अस्सलामुअलैकुम, ओपीटीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है तैयारी करनी होगी, अगले साल अपना छीना गया मैंडेट वापस लेना है। आम इंतखाबात 2018 में मुबैना धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी सड़कों पर आ गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा मजलिस अमल समेत दीगर अपोजिशन पार्टी के रहनुमा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर मुत्तफिक हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ की हिमायत के बाद विफाक और पंजाब असेंबली में नंबर पूरे होने का दावा कर दिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर जान मेंगल ने अपनी रिहाइशगाह खारान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा एसपीआर के मुताबिक ब्राजील के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल ने जीएचक्यू का दौरा किया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के नौ मुंतखब अरकीन असेंबली से खिताब किया। 21वीं सदी का तवील तरीन चांद ग्रहण ब्लड मून पाकिस्तान में 6.25 घंटे नजर आने के बाद खत्म हो गया। और कराची में आम इंतखाबात 2018 में शोबिस के सितारों ने भी किस्मत खूब आजमाई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है तैयारी करनी होगी, अगले साल अपना छीना गया मैंडेट वापस लेना है। एमक्यूएम पाकिस्तान का मैंडेट चुराया और छीना गया है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि तैयारी करनी होगी, अगले साल अपना छीना गया मैंडेट वापस लेना है। जिन हलकों में पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया वहां दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, फौरी तौर पर हमारे हलकों को खोला जाए। एमकेएम पाकिस्तान का मैंडेट चुराया और छीना गया है, धांधली नहीं धांधला हुआ, हम उसे नामंजूर करते हैं। किसी को मसनूई मैंडेट देकर जितवाया गया है, जहाँ से शिकायतें आ रही हैं वहाँ रिकाउंटिंग कराई जाए। एमकेएम जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि धांधली नहीं धांधला हुआ, हम उसे मंजूर करते हैं। एमकेएम रहनुमा ने एमकेएम को मिटाने का दावा करने वाले पर शायराना अंदाज में तनकीद की। हम इस बात पर यकीनन खुशी मना लें कि जो हमें दफन करने आए थे उनका जो हशर हुआ है वो तो भाई, हम तो एतमाद के साथ कल भी ये शेर पढ़ते थे और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का शुक्र अदा करके आज भी ये शेर पढ़ेंगे कि औकात नहीं है आंख मिलाने की, आंख से आंख मिलाने की, औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, बात कर रहा है नादान नाम मिटाने की। फारूक सत्तार का कहना था कि हालिया इंतखाबात में जो जुल्म हुआ है वो माजी में कभी नहीं हुआ, अपने मैंडेट को वापस लेंगे। इस मर्तबा जो हाथ हुआ है, नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, वो शायद माजी में कभी नहीं हुआ था। जिस तरह गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को निकालकर फॉर्म 45 दिए बगैर हमसे कहा जा रहा है कि जो भी आरओ से हमें नतायज मिले हैं इन्हें मनोन तस्लीम कर लें, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम ये नतायज इसी तरह तस्लीम कर लें। तो ये तो हमने ठान ली, ये तो तय कर लिया कि अगले साल इंशाअल्लाह ताला ये मैंडेट वापस लेंगे जो चुराया गया और छीना गया है इंशाअल्लाह ताला। जिंदाबाद एमक्यूएम, जिंदाबाद। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि तैयारी करनी होगी, अपना छीना गया मैंडेट वापस लाना है। एमकेएम पाकिस्तान का मैंडेट चुराया और छीना गया है, हम उसे नामंजूर करते हैं। इंतखाबात 2018 में जो जुल्म हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। एमन मंजूर, टेक टीवी पाकिस्तान।
कुछ बात कर लेते हैं आम इंतखाबात 2018 में मुबैना धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी सड़कों पर आ गई। ANP की जानिब से कराची और पिशावर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। आम इंतखाबात 2018 में मुबैना धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी सड़कों पर आ गई। ANP की जानिब से कराची और पिशावर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरों में ANP के कारकुनों और रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची प्रेस क्लब के बाहर किए जाने वाले मुजाहरे की क़यादत अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर शाहिद सैयद ने की। ANP रहनुमा का कहना था कि पार्लियामेंट को गालियाँ देने वाले अब मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे। वो जो पार्लियामेंट को गालियां दे रहे थे और डांस कर रहे थे, आज वो पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तकदीर के पैसे ले करेंगे। जो हुआ बुरा हुआ, हम इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम इलेक्शन लेने की अपील करते हैं कि मौजूदा इलेक्शन को नल एंड वॉइड करे। दूसरी जानिब पिशावर में अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंद यार वली खान की हिदायत पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ANP सिटी डिस्ट्रिक्ट पिशावर के जेर एहतमाम नमक मंडी चौक से एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अशरफ रोड पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। एहतजाजी जुलूस में पार्टी कारकुनों और दीगर जिले तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। मुजाहरीन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की और इलेक्शन में तारीख की धांधली को मुस्तरद किया और मुतालबा किया ये इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। ANP के पिशावर के सीनियर नायब सदर नियाज मोहम्मद महमद का कहना था कि ऐसी धांधली पहले कभी नहीं देखी। हालिया जो इलेक्शन में मैंने तारीख में बहुत से इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया, मगर तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने नहीं देखा और ऐसी धांधली मैंने नहीं देखी कि जहां पे आप देखेंगे हजारों हजार वोट जो पोल हुए हैं, जो धांधली में उन्होंने पोल किए, वहाँ पर अजीब हालत थी। पोलों में हमारे जो पुरंगजंड होते थे उनको बाहर निकाला गया, बंदूक के जोर पर बाहर निकाला गया। अंदर उनका अपना काम था कि जितने वोट डाल सकते थे वो डालते रहे। ऐसी धांधली मैंने कभी भी तारीख में नहीं देखी। जो हर किस्म के नारे या हर किस्म की कोई हरकत न करे अपनी गाड़ी। आम इंतखाबात 2018 में मुबैना धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी सड़कों पर आ गई। ANP की जानिब से कराची और पिशावर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कारकुनान से खिताब करते हुए ANP के रहनुमाओं का कहना था कि पार्लियामेंट को गालियां देने वाले अब मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे, ऐसी धांधली पहले कभी नहीं देखी। एमन मंजूर, TEC TV, पाकिस्तान। और कुछ बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा मजलिस अमल समेत दीगर अपोजिशन पार्टी के रहनुमा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा मजलिस अमल समेत दीगर अपोजिशन पार्टी के रहनुमा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस्लामाबाद में आया सादिक की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA और ANP के रहनुमा सर जोड़ कर बैठे और इलेक्शन के बाद की हिकमत अमली पर गौर किया। अपोजिशन की बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MMA, ANP के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुलाकात में हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतलिक बात की गई और आगे का लाए अमल तय किया गया, जबकि मुलाकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक किया गया, जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा मजलिस अमल और दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बातचीत की गई और आइंदा का लाए अमल तैयार किया गया। एमन मंजूर, TEC TV, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमीशनर के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कल जमाती कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात अपने मुकर्रा वक्त पर शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में हुए। वोटर टर्नआउट 52% रहा। 30,000 मुल्की गैर मुल्की मुबसरीन ने मुख्तलिफ औकात में इलेक्शन के अमल का मुआयना किया। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबा याकूब का कहना था कि कल जमाती कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर चंद सियासी रहनुमाओं की जानब से जारी करदा बयान के इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए।
उस पर इलेक्शन कमीशन ने नहायत अफसोस का इजहार किया है और इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए उसकी सख्ती से मजम्मत की है। बाबा याकूब का कहना था कि सियासी जमातों के इस किस्म के बयान अफसोसनाक हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि साफ शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात के बारे में बगैर किसी सबूत के इस तरह के बयानात अफसोसनाक और हकायक के कतन मुनाफी हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आम इंतखाबात में वोटर का टर्नआउट 52% रहा। आम इंतखाबात 2018 के दौरान अवाम ने आजादाना माहौल में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और वोटरों की टर्नआउट तकरीबन 52% रही और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से इलेक्शन में धांधली के हवाले से अब तक कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। बाबा याकूब का मजीद कहना था कि नतायज में तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और अफसरान से जवाब तलब कर लिया है। मैं यहाँ पे ये बताना जरूरी समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने नतायज में ताखीर पर तमाम प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर्स और रिटर्निंग अफसर से वजाहत भी तलब कर ली है कि वो असबाब बताए जाएं जिनकी वजह से इंतखाबात के नतायज हासिल होने में ताखीर हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में हुए, वोटर का टर्नआउट 52% रहा। अमन मंजूर, टेक टीवी पाकिस्तान। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।